हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जॉब स्लॉट 24/7 पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JKSB वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न है उसको दूर करेंगे। और अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है रिलेटेड टू फिजिकल एंड रिटन एग्ज़ाम, देन आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर फिज़िकल और रिटन एग्ज़ाम कब होगा। कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि फ़िज़िकल हो गया सर या नहीं हुआ, हमें इतना कंफर्म बता दो। और हर एक बच्चे को कमेंट में रिप्लाई करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, बट फिर भी बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं तो मैं कमेंट का रिप्लाई कभी कभी नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना के आपको बता देता हूँ। सो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यार सबको पता ही होता है कि कब नोटिफिकेशन रिलीज होगी, कब क्या होगा, वो बच्चे अपडेट रहते हैं। बट ऐसे बहुत सारे इसमें कैंडिडेट हैं जो के इसके साथ अपडेट नहीं है, जिनके पास कोई भी अपडेट नहीं है, वो फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करते हैं और अपने काम वगैरह में इतने व्यस्त होते हैं कि उनको इतना टाइम नहीं मिलता JKSB की वेबसाइट वगैरह देखना ये वो, और कुछ को तो पता ही नहीं है कि कौन सी वेबसाइट वगैरह है। सो इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अभी क्या जो लेटेस्ट क्या चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें JKSB वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात करेंगे। एज यू ऑल नो, मैंने बता दिया आप सबको, इसमें स्टेज वन होने वाली है पहले, देन उसके बाद स्टेज सेकंड होगी। आप सब जानते हो कि जब आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें क्लियर मेंशन किया हुआ था पहले स्टेज वन होगा देन उसके बाद स्टेज सेकंड होगा। और स्टेज सेकंड में जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे जो फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई करेंगे उनकी रेशियो होगी 1:6, यानी कि एक पोस्ट के अगेंस्ट 6 कैंडिडेट को सेकंड स्टेज में बुलाया जाएगा। फर्स्ट स्टेज में आपका इंक्लूड किया गया था फिजिकल। फिजिकल में क्या था, मेन जो है वो 25 किलोमीटर की वॉक है, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है डिटेल में। और इसमें सैलरी वगैरह क्या रहने वाली है, इसका सिलेबस वगैरह क्या है, और भी जो भी डिटेल्स हैं पूरी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। हो सका तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा उसका, वहाँ से आप जाके देख सकते हो, आपके सारे डाउट्स जो हैं वो दूर हो जाएंगे। अगर पहले आपने देखी हुई है देन आपको कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा देखने की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होगा फिजिकल स्टेज वन में, उसके बाद आपका स्टेज सेकेंड आएगी रिटन एग्ज़ाम। ये आपको आई होप क्लियर होगा। और इसमें फिज़िकल में मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए, और मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो। मैं इसका वीडियो का जो मेन टॉपिक है उसी पे रहता हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और जो आपका स्टेज वन है फिज़िकल आपका कब होगा, ये पॉसिबल है कि आपका अप्रैल 2022 में कंडक्ट हो जाए। पॉसिबल क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर, उसका भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। पॉसिबल का ये रीज़न है कि डिले भी हो सकता है और इस टाइम पे भी हो सकता है, उससे पहले तो नहीं होगा। बिकॉज़ JKSSB के बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं, जो कि हाई लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, JKSSB सब इंस्पेक्टर इंजीनियरिंग हो गया, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर हो गया, और बहुत सारे एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट वगैरह, इनके रिटन एग्ज़ाम फर्स्ट स्टेज में होने या सिर्फ सिंगल स्टेज है उनकी, सो वो एग्ज़ाम पहले कंडक्ट हो रहे हैं। अगर आपका वाइल्ड लाइफ गार्ड का रिटर्न एग्ज़ाम पहले होता देन अभी तक आपका हो गया होता। ये इसी वजह से डिले कर रहे हैं बिकॉज अभी जो है फिज़िकल कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स उसमें एनरोल होंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, सो उसमें उनको मैनेज करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी इस वजह से कि वो क्या कर रहे हैं, जो पहले एग्ज़ाम जो है रिटर्न एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवा रहे हैं, उसके बाद फिर आपका जब उनको गैप मिल जाएगा तब आपका क्या करेंगे फिज़िकल कंडक्ट करवाएंगे। अभी देखिए JKSSB जो है क्लास 4th का अभी जो फर्स्ट एवर रिक्रूटमेंट थी उसकी DV चल रही है, वो अभी कंप्लीट नहीं हो रही है उनकी, देन उसके बाद बहुत सारे जो ऑन गोइंग एग्ज़ाम है वो चल रहे हैं, उनको कंप्लीट करवाना अपने आप में ये एक टास्क है। बिकॉज आपको पता है कि पहले CBT एग्ज़ाम थे, अभी ऑफलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, सो उसमें मैनेज करना काफ़ी हैक्टिक है उनके लिए। सो बहुत सारे ऐसे कुछ रिज़ल्ट वगैरह हैं जो
पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको कंपाइल करना है, बहुत सारी ऐसी लिस्ट वगैरह हैं जो कि पेंडिंग पड़ी हुई हैं उनको वो आउट कर रहे हैं। असिस्टेंट कंपाइलर का आपने देखा होगा कुछ दिन पहले रिजल्ट आया है, सो उसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर देख सकते हो अगर आप थे उसमें केयर टेकर वगैरह। सो उनकी भी आप डीवी वगैरह स्टार्ट होगी। सो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो कि आपके फिज़िकल एग्ज़ाम को डिले करवा रहे हैं। अगर आपका फिज़िकल एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ देन अप्रैल के मंथ में हो जाएगा, जितना जल्दी हो सका अप्रैल के मंथ में होगा। अप्रैल के मंथ में अभी कोई एग्ज़ाम वगैरह शेड्यूल आउट नहीं हुआ है, सो अप्रैल के मंथ में आप मान सकते हो कि आपका फिज़िकल एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए, बिकॉज मार्च में जो है बहुत सारे एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हैं और अप्रैल में कोई भी एग्ज़ाम फ़िलहाल शेड्यूल नहीं है। देन उसके बाद आपका जो दो महीने के बाद, कौन से दो महीने के बाद, जो आपका फिज़िकल एग्ज़ाम होगा उसके बाद जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा वो दो महीने के बाद होगा, यानी कि जिस डेट को आपका फिज़िकल टेस्ट होगा उसके दो महीने बाद मिनिमम टू मंथ्स के बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे टू मंथ्स क्यों बोल रहे हो आप, वहाँ पे जो है थ्री मंथ्स मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे मैं टू मंथ्स बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ अगर ज़्यादा ज़्यादा जल्दी करेंगे तब भी दो महीने लग जाएंगे आपका जो आपकी जो लिस्ट है उसको आउट करने में, मतलब एक तरह से रिजल्ट ही आउट करना है, सो लिस्ट को बनाना और आउट करना दो महीने लग जाएंगे इतना मान सकते हो आप, और मैक्स टू मैक्स तीन महीने लग सकते हैं, दो से तीन महीने के बीच में आपका रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। अभी आप सबको समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग सैलरी सिलेबस जो भी है, सिलेबस पे भी एक वीडियो बनी हुई है, सैलरी वगैरह और आपका आपकी जो क्वालिफिकेशन वगैरह है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनी हुई है, डिटेल्ड वीडियो है। एंड थर्ड नंबर पे आपकी जो फिज़िकल में मेडिकल सर्टिफिकेट लगने वाली है वो कहाँ से बनानी है, उसका क्या फॉर्मेट वगैरह है, उस पर भी वीडियो बनी हुई है। सो वाइल्ड लाइफ गार्ड की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके आप देख सकते हो, अदरवाइज़ मैं इन तीनों वीडियोस के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में। सो आप सबको पता लग गया कि किस वजह से आपका जो है फिज़िकल डिले है। सो अगर आपकी सिर्फ ये ऐसे रिवर्स होता, ये यहाँ पे होती और ये यहाँ पे होती, देन अभी तक आपका जो है फिज़िकली बचा होता और रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया होता। सो मसला ये है कि आपका फिज़िकल पहले तभी जो है वो इतना डिले हो रहा है, अगर फिज़िकल बाद में होता देन आपका रिटर्न एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट हो चुका होता। सो होप कि आप सबको समझ आया होगा, और जब भी डेट्स अनाउंस होती हैं, जब भी कोई अपडेट आता है हम आपके साथ शेयर कर देंगे। सो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, और ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ देन थैंक यू सो मच। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देयर।